कि हम लोग इस समय 11 तारीख को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में तिब बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया की ओर से जो बौद्ध परिवार मिलन मेला का कार्यक्रम होने जा रहा है इस आगामी संडे को जी 11 फरवरी को बुद्धा गार्डन में, दिल्ली के बुद्धा गार्डन में हम उसके लिए प्रचार में लगे हुए हैं। मगर बीच में अगर आप आकर के इन जज चार जजों के बारे में जब आपने बात की है तो मुझे ये कहना पड़ता है कि बाबा साहब ने कहा है कि सच्चाई को थोड़े समय के लिए तो दबाया जा सकता है मगर सच्चाई को हमेशा के लिए दबाना मुमकिन नहीं जी। 3 साल सच्चाइयों को दबाने में निकले ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है क्योंकि हम तो उसके खुद भुगते हुए लोग हैं, भुक्तभोगी लोग हैं। हमारी बात इस देश में किसी को पता ही नहीं है कि इस देश में दलित दुखी भी हैं, किसको ये पता ही नहीं है इस देश में बौद्ध भी रहते हैं, दुनिया के लोगों को ये पता ही नहीं है इस देश में आदिवासी भी रहते हैं। तो आवाज़ दबाने का काम बड़ी तत्परता से इस देश में होता है मगर बाबा साहब ने जब कहा था ना कि सच्चाई को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता, ये बात जिन चार बहादुर जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने साबित करके दिखाई है वो एक जनतंत्र की आयु के लिए, जनतंत्र, लोकतंत्र और संविधान के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत अनुकूल लक्षण है। साथियों अब आप देखेंगे कि वो बात अलग है कि हमारे एक जज ने जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे जिनका नाम कर्नल था, उन्होंने भी यही बात उठाई थी। मगर इस देश का चाल चरित्र और चेहरा देखिए इस देश की शासक जातियों का कि उसको तो उन्होंने गुनाहगार साबित करके जेल तक में डाल दिया मगर ये चारों के चारों जज क्योंकि सवर्ण हैं, ये दलित नहीं है, ये पिछड़े नहीं हैं, इसलिए चाहे कैसे भी सही आवाज़ बुलंद हुई और इस वर्तमान सरकार की नीतियों का पर्दाफाश हुआ। अब हम ये चाहते हैं, आज बहन जी का जो कैडर कैंप हुआ मैं तो बड़ा उत्साह से भर गया, मेरा तो मन भी भर आया, कहने को मन करता था कि आज हम लोगों को संगठित होकर के इस देश में इस सरकार को मजबूर करना है इस बात के लिए कि तुम अब ये जो मशीन लाए हो ना, ईवीएम की मशीन आते ही इनका हौसला कितना बढ़ गया, ये अगले 5 साल की बात करते हैं। भरोसा इन्हें अपनी बेईमानी पर है जी। भरोसा इन्हें अपने षड्यंत्रों पर है मगर इन षड्यंत्रों को फेल करने की ताकत हमें बहन मायावती के नेतृत्व में पैदा करनी है। देखिएगा कितना भी बड़ा जहाज हो, कितनी तेजी से जा रहा हो, थोड़ा सा सुराख करने से ही वो धराशायी हो जाता, डूब जाता है। इसलिए आज इस देश में अंतिम युद्ध किस में होगा हम आपको आज बता रहे हैं। इस देश में अंतिम युद्ध ब्राह्मण और अम्बेडकरवादियों में होगा, इसलिए अम्बेडकरवादियों को चाहिए कि वो एक जात के चक्कर में ना रहें। अभी तक तो ये सब लोग ये बोलते हैं, यद्यपि वो गलत प्रचार है, कि उत्तर भारत में चमार और महाराष्ट्र में महार लोग बाबा साहब को मानते हैं, ये गलत है। मैं आपको 50 जातियाँ उत्तर भारत में बता दूं जो ईमानदारी से बाबा साहब को मानते हैं, मैं 50 जातियाँ आपको महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और आंध्रा में बता दूं, गुजरात में बता दूं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को चला रहे हैं। मगर ये जो नारे उछालते हैं ये हमारा आंदोलन तोड़ने के लिए उछालते हैं, ये इनके यहाँ अगर कोई व्यक्ति कोई नेता बन जाए तो राष्ट्रीय नेता, हमारे यहाँ कोई नेता बन जाए तो दलित नेता, और कोई बड़ी बात हुई तो एक जाति का नेता। तो हमें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति पूरा आदर और सम्मान है, तो एक बात पर ध्यान देना होगा कि बाबा साहब का आंदोलन एक जाति के लिए ना था। बाबा साहब जब वहाँ गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और वहाँ उन्होंने पता चला कि महाराष्ट्र में एक प्रचार किया जा रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर इंग्लैंड गए हैं, महारों के लिए अधिकार लेने गए हैं, तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ये सुनकर के अधीर हो गए, बेचैन हो गए, उतावले हो गए और अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने एक लेटर लिखा, लेटर जनता नाम का जो उनका समाचार पत्र निकलता था उसके नाम लिखा, वो एक्चुअली पत्र नहीं था, पत्र के रूप में एक आर्टिकल था। उस आर्टिकल में जो अब हिंदी में भी अनुवाद होकर हम प्रकाशित कर चुके हैं, उन्होंने एक बात बताई कि जो लोग मेरे बारे में ये बात कर रहे हैं मैं महार लोगों के लिए अधिकार लेने आया हूं, वो एकदम गलत है, निराधार है। असलियत यह है कि मैं भारतवर्ष के हर एक वंचित व्यक्ति के लिए, चाहे वो दलित है,
चाहे वो आदिवासी है और चाहे वो ओबीसी पिछड़ा वर्ग है, मैं सबके लिए यहाँ अधिकार लेने आया हूँ। ये प्रचार गलत है, इसको बंद किया जाना चाहिए। वही बात हमारी आज है जब इस देश की शासक जातियाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को दलित नेता कहती हैं, तो इसका मतलब ये है वो मना कर रही हैं दूसरी सवर्ण जातियों को, ये दलित है, दलितों का नेता है, इनके चक्कर में मत फंस जाना। ये एक षड्यंत्र उन्होंने आज ही नहीं किया, हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बारे में भी किया। क्या किया कि जब ब्राह्मण भी मजबूर हो गए बनारस में उनकी पालकी ढो रहे हैं, तो इन्होंने क्या प्रचार किया कि ऐसे चित्र बनाओ जिसमें रविदास जूते बना रहे हैं, चप्पल बना रहे हैं, जूती बना रहे हैं। वो चित्र बनाए गए, किस लिए बनाए गए कि लोग समझ लें कि ये नेता इनका क्या है, और वो जूते चप्पल बना के देखकर और अंधविश्वास जो जाति का है उससे वो दूर भाग जाएं। हमें इन षड्यंत्रों से बचना है। हम क्या कहते हैं, जितनी भी इस देश में दलित जातियाँ हैं, जितनी भी इस देश में आदिवासी जातियां हैं, जितनी भी इस देश में ओबीसी जातियां हैं, ये सारे के सारे बुद्ध पुत्र हैं, सम्राट अशोक की संतान हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जिनके लिए लड़े थे, जिनके लिए मरे थे, ये वो लोग हैं। हमें अपना आगा पीछा ना देखते हुए खाली अपने समाज को समझाने का काम करना है। जो सैनिक को ये पता नहीं होता कि मैं लड़ने जा रहा हूँ तो मेरी फौज की क्या पहचान है, दुश्मन की फौज की क्या पहचान है, तो वो जा कर के लड़ाई में फंस जाता है, मर जाता है। इसलिए हमें भी अपने समाज को ये बताना है कि तुम जब इस समाज में निकल के आए हो, काम करने आए हो, तो ये विचारधारा तुम्हारी विरोधी है और ये विचारधारा तुम्हारी अपनी है, ये भेद हमें बताना है, बड़े स्तर पर बताना है। यदि हम ऐसा कर पाए तो बहन मायावती को हम मुंह दिखाने लायक रहेंगे, बाबा साहब के चित्र की के साथ आंख से आंख मिलाने के लायक बनेंगे, नहीं तो हमसे बड़ा कोई एहसान फरामोश दुनिया में कोई आपको मिलेगा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको करता हूं क्रांतिकारी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।